एवरीवन, तो वेलकम टू बैक माय चैनल रूपरानी ऑसम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 3 और मैं उठी हूँ, मतलब कल जो मतलब यानी कि आज जूतिया है। तो मॉर्निंग में 3 बजे में उठी हूँ। किस लिए उठी हूँ, तो हमारे यहाँ बिहार में मतलब व्रत करने से पहले हमारे यहाँ दही चूड़ा मॉर्निंग में खाया जाता है, तो बस मैं उस वही खाने के लिए उठी हूँ। वैसे तो मॉर्निंग में खाया नहीं जाता है, मतलब बोलते ना गले से उतरता नहीं, लेकिन हाँ बिहार में ऐसा नियम माना गया है कि मॉर्निंग में उठ के हमें दही चूड़ा खाना होता है। हम भी खाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बच्चे को और पति को, जो भी घर में फैमिली में होते सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद समझ के खिलाया जाता है। तो बस मैं वही खाने के लिए उठी। तो देखिए मैंने कटोरी में ले भी लिया है दही चूड़ा कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं इसे ही थोड़ा सा खाने वाली, क्योंकि वैसे भी खाया जाता नहीं है, मतलब गले से तो उतरता ही नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 3 बजे से, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए, जूतिया का प्रसाद है। एवरीवन, तो फाइनली अब शाम का टाइम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैं दोपहर में बात करने की हिम्मत में नहीं थी और अब भी नहीं हूँ, क्योंकि बोलते ना सब मतलब सप्ताह में 2 दिन में व्रत अगर रख रही हूँ, थोड़ा सा कमज़ोरी तो फील होगी ही होगी। तो बस वही यहाँ बात है, मुझे ना बहुत कमज़ोरी सी फील हो रही थी, मतलब बहुत वीकनेस लग रहा था इसकी वजह से, ठीक है। तो मैं नहा के आती हूँ, तो फिर आपसे बातें करती हूँ। एवरीवन, तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और ये नाक पर से भी मैंने टीका मतलब सिंदूर लगा लिया है, जो कि सिंदूरा से मैंने लगाया हुआ है। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए और मैं पूजा सबसे पहले तो घर पे ही करूँगी, उसके बाद में देखती हूँ मंदिर जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। सुधी जी ने बोले जब दोपहर के अंत में कलयुग का आरंभ हुआ, तो उसी समय बहुत सी शोकपूर्ण स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी। मैं यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को जूतियाँ पहना रही थी, यानी कि पहनने से पहले अपने बच्चों को हम जूतियाँ पहनाना चाहिए, इसलिए तो हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने और जूतियाँ मैंने डाल लिया है वैसे। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। महाकाले शमोते
आत्मा है, उसके गन्ने से उनके बालकों की रक्षा हो सके। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियो, जब द्वापर युग का अंत हो रहा है, नौमी में आप सर नहीं रहने की स्थिति में हो तो बाकी तो सुबह के लिए 4 बजे 5 बजे अन्नदान के लिए, जलदान के लिए, फलदान के लिए, कृष्णदान के लिए, मधुदान के लिए करते रहे महाराज। बैक माई चैनल रूपरानी ऑसम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं मंदिर से पूजा करके भी आ गई हूँ और जस्ट अभी आई हूँ, और मेरा जूतिया भी जस्ट अभी रात के बज चुके हैं 8, और मेरा पूजा जो सब कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं जाऊँगा थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करूँ, क्योंकि बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है कि तक मैं आप लोगों से बैठ के बातें करूँ। इसलिए मैंने बात की था कि आप लोगों को मैंने सुबह से वेलकम भी नहीं किया था, और फिर दिन सोई थी आज थोड़ा बहुत, घर का मैंने फिर क्लीनिंग किया, उसके बाद फिर सोई थी। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, बाय बोलो, बाय 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 बोलो। और बाबू भी आ गया है अभी पूजा करके, आप देख रहे हो ना टीका लगाया हुआ है। ऋषिका भी बोलो बाय बाय गाइस, बाय बोलो, बाय बाय। ये नहीं बोलेगा अभी, ये गुस्सा में है इसलिए नहीं बोलेगा ये। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय गाइस, थैंक यू।